हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीत फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे साथियों, जितने भी स्टूडेंट महीनों से मेहनत कर रहे थे और फाइनली टीचर भर्ती का एग्जाम हुआ 10 जून को, आंसर किया आया और बहुत से अभ्यर्थी लगातार जुड़े हुए थे कि सर बहुत बेहतर अंक आ रहे हैं, सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि वो तो एक बने रहता है ना दिमाग में कि इतने कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होगा नहीं होगा। इनफैक्ट मैं तो जहां जा भी रहा था, कहीं भी मैं दिख जाता था, स्टूडेंट आके यही पूछते थे कि सर इतने नंबर आ रहे हैं, इस कैटेगरी से हैं, क्या चांस लगता है। तो ये एक उत्सुकता सब लोग की बड़ी बन नहीं हुई थी, बट आज जो हमारा 27 जून का दिन है, एक थोड़ा सा झटका लगा है आज सारे अभ्यर्थियों को, क्योंकि आज जो छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय हैं, मतलब कि जो हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, इन्होंने फाइनली जो अभी का जो शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराया गया 2023 का, 12,489 के आसपास टोटल पोस्ट थे यहाँ पे, तो उसमें अभी आप मान के चलिए कि कुछ समय के लिए यहाँ पर इसको रोक लगा दी गई है, इस पे हाई कोर्ट की ओर से स्टे लगा दिया गया है। कारण कोई आरक्षण नहीं है, कारण दो हैं, उन कारणों को आपको समझना है कि क्या ये वैध कारण है जिनके कारण हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगाई है, क्योंकि पेटिशन किया गया है कुछ स्टूडेंट्स की ओर से और ये सीधे सीधे ये कोर्ट में ये केस चला है वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के अगेंस्ट में। और फाइनली जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं केवल वो आप लोग के बीच में रखता हूं, इन सारी चीजों से कोई खास लेना देना नहीं है। और साथ ही साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या ये जो रोक है ये केवल वर्ग दो, मतलब केवल शिक्षक पे लगा है कि सहायक शिक्षक वर्ग तीन की वैकेंसी पे भी लगा है, कब तक इस रोक के मतलब आगे की जो कार्रवाई है वो कब तक होने की उम्मीद है, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका है। बहुत मेहनत से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और एट द फाइनल ऐसा हो जाता है कि सिस्टम की कुछ गलतियों के कारण ये बच्चों को नुकसान भुगतना पड़ जाता है। बड़ी उम्मीदें थी, जिस हिसाब से चीजें चल रही थी, बिल्कुल त्वरित गति से सब कुछ चीजें हो रही थी, लगभग 12 तारीख के आसपास वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन तीनों के एग्जाम कंडक्ट हुए और 15 को वर्ग एक का आंसर किया गया, 17-18 तारीख तक आप लोग का वर्ग दो शिक्षक का आंसर किया गया और लगभग 20-22 तक आप लोगों ने देखा कि वर्ग तीन का भी आंसर की व्यापम द्वारा रिलीज कर दिया गया था। तो सभी को ये उम्मीद हो रखी थी कि बहुत जल्द हो सकता है रिजल्ट आ जाए और वेरिफिकेशन करा के एक सरकारी पद हमारे घर में सभी स्टूडेंट क्रैक कर जाए। बट अब चलिए, हाईकोर्ट ने रोक लगाया है, समीकरण समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। तो इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन सर ये है कि भैया ये जो इस बार हुआ ना, इस बार जो शिक्षक का पेपर हुआ, सहायक शिक्षक छोड़ दीजिए, जो शिक्षक का पेपर हुआ, पहले जैसे शिक्षक के पेपर होते थे तो जो स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने सब्जेक्ट में, मान लीजिए किसी ने बीएससी किया है और किसी ने आर्ट्स से पढ़ा है, किसी ने कॉमर्स से पढ़ा है, तो सेपरेट सेपरेट होता है एग्जाम, मतलब कई स्टेट में ऐसा सेपरेट भी होता है और कई जगहों पे बिल्कुल एक ही एग्जाम होता है, ठीक है, उसी में सारे के सारे डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पहले क्या हो रहा था, मान के चलिए सेपरेट एग्जाम हो रहा था, अलग अलग विषयों के अलग अलग शिक्षकों को मौका मिल रहा था, बट इस बार क्या था, जो वर्ग दो था, वर्ग तीन का तो सबका कॉमन रहता है चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई किए रहो, वर्ग दो था इसमें एक बार कॉमन पेपर आया, उसी को कॉमर्स वालों ने, उसी को आर्ट्स वालों ने, उसी को साइंस वालों ने, सभी ने पार्टिसिपेट किया। ये एक पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये था, सर ये आया सर तो आप सोचोगे कि सर ये तो फिर वर्ग दो का वैकेंसी पे स्टे लगना चाहिए, बिल्कुल वर्ग तीन यहां पर सेफ हो सकती थी, पर अब मुद्दा फंसा सर 10 मार्क्स बोनस का। ये जो 10 मार्क्स बोनस है सर, ये जो हमारे अतिथि शिक्षकों को दिया जा रहा है, मतलब इस बार के वैकेंसी में ये जो प्रोविजन था, तो 10 मार्क्स बोनस, ये 2019 की वैकेंसी जब आई थी, जो नियमावली बनी हुई है, जो रूल बुक बना हुआ है अभी शिक्षक भर्ती का, वो भी 2019 के अनुसार है, तो इस अनुसार से 2019 में 10 मार्क्स बोनस का कोई प्रावधान नहीं था, बट इस बार सरकार ने 10 नंबर अतिथि शिक्षकों के लिए जो बोनस की घोषणा की, जो कि 19 में मेंशन नहीं था, तो उस नियम के आधार पे कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, यहां पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पिटीशन लगाया और उसका परिणाम ये हुआ कि हाईकोर्ट ने एट द फाइनल जो हमारी वैकेंसी है, जो लग रही थी कि अगले एक महीने में रिजल्ट आ जाएगा और सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, एकदम सारा रास्ता साफ दिख रहा था, उसमें अड़चने आ चुकी है दोस्तों। बट आप लोगों को विचलित बिल्कुल नहीं होना है, कब तक ये है तो याद रखेंगे, ये जो पिटीशन है इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग सर 6 अगस्त 2023 को है, याद रखेंगे ये नेक्स्ट हियरिंग है, हो सकता है कि ये इसके बाद और आगे बढ़े। तो जितने भी स्टूडेंट हैं,
जिन लोगों ने मेहनत से तैयारी की है, मैं बार बार आप लोगों को बोलूंगा कि अभी आप विचलित मत होइए, क्योंकि मुद्दा यहाँ पर हाई कोर्ट का है, सरकार का नहीं है कि आप आंदोलन करके अपनी बात मनवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सीधी सी बात है, जो नेक्स्ट हियरिंग है अब वो 6 अगस्त को होगी 2023 को, उसके बाद ही आगे का जो रुझान है वो सामने स्पष्ट होता हुआ दिखेगा। तो आप लोग इस विषम परिस्थिति में संयम बनाए रखें। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि आपने शिक्षक भर्ती के दौरान एक बहुत अच्छी तैयारी की है, आपने हिंदी पढ़ लिया है, आपने मैथमेटिक्स अच्छा किया है, आपने इंग्लिश के कोर को अच्छा पकड़ा है, आपने थोड़ा सा समसामी की जीएसजी के वाले पार्ट को अच्छा किया है, और व्यापम के किसी भी एग्जाम में यही सिलेबस रहता है। बहुत से स्टूडेंट ज्यादा हतोत्साही हो जाते हैं कि सर सारे एग्जाम का यही होता है, कई बार तो बच्चे ये बोलने लग जाते हैं कि ये तो सर सोची समझी चीजें होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कुछ भी नेगेटिव सोचने जैसा आप लोग अभी मत रखिए, क्योंकि अभी का जो ये 4-6 महीने का जो समय है सर, यहां पर बस आपको कर्म करना है, पूरे मेहनत से कर्म करना है। अगर ये वैकेंसी रुकी है, टली नहीं है, याद रखेंगे अभी ये वैकेंसी को क्या किया गया है, 6 अगस्त को फिर हो सकता है हाईकोर्ट की हियरिंग्स आएगी, उसके बाद रास्ता साफ होगा, कई बार इसमें समय भी लग जाता है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि भैया तैयारी में लगे रहिए, बहुत से पीएससी के व्यापम के अलग अलग पोस्ट आ रहे हैं, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग की होगी, एसीएफ रेंजर की अभी पोस्ट मतलब सुनाई दे रही है, आपके एडीओ के, एबीओ के, हॉस्टल वार्डन के, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के, अभी वन रक्षक चल रहा है हमारा, इसके अतिरिक्त महिला पर्यवेक्षक, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। तो रुकना एक जगह नहीं है, लगातार लगे रहिए, सुनाई दे रहा है कि एपी के भी पोस्ट आ रहे हैं। तो भैया आप बिल्कुल संयम से मेहनत करते चलिए, हो सकता है कि आप इससे भी बेहतर करके चले जाएं, नियति में क्या लिखा है किसको पता। ठीक है, तो इसीलिए इतनी मेहनत किए हो, मेहनत को अपने न टूटने मत दो, हतोत्साही मत होना दोस्तों। इतना ही कहने के लिए मैं आप लोग के बीच में आया था कि विषम समय है और हम लोग को साथ में मिलकर काम करना है, और बेहतर यही है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। बाकी मैं भी अपने एंड से एक काम करूंगा कि कल से पूरी टीम के साथ मैं यूट्यूब पे आप लोग के लिए एमसीक्यू सीरीज भी चालू करवाऊं। ठीक है, ऐसे मैं टेस्ट पेपर पूरा बनवाने में लगा था, हॉस्टल वार्डन का जो पूरा नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हमने अभी 7 फुल लेंथ टेस्ट अभी कंटिन्यू किए हैं, मतलब बनवा चुका हूं, उसको मैं अब अपलोड करूंगा कल अनाउंस करके। बस इतना है, तैयारी में बने रहो, संयम धैर्य से काम लेना है, मेहनत में अभी ढिलाई नहीं देखनी है, क्योंकि 2-3 महीने में ना सब कुछ बदल जाएगा। हो सकता है एक बार चुनाव होने के बाद कब वैकेंसी आएगी, पिछला उदाहरण देख रहे हो ना भैया, 2018 में नई सरकार चुन के आई और 2023 तक में केवल ये जो 2023 का साल है यहीं पर ढंग से वैकेंसी दिख रही है। तो इतना वैकेंसी अभी और बाकी है, अपने आप को आजमाते रहो, बेहतरी के लिए आगे बढ़ो, और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी बहुत बेहतर ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं सर, लड़ाई तब तक जारी रखो जब तक कि आप जीत ना जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, और इस डेट का आप थोड़ा सा हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, वैकेंसी पे रोक लगी हुई है बट वैकेंसी डिसमिस नहीं हुई है, तो बिल्कुल आप सरकार की ओर से इसका उत्तर दिया जाएगा हाईकोर्ट को, और फाइनली फिर ये चीजें आगे बढ़ेंगी। तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहिए, जीत फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पॉजिटिव रहिए। एक शिक्षक के नाते बस मैं इतना ही बोलूंगा कि आप पॉजिटिव रहिए, भरपूर पॉजिटिव रहिए, बीच में कुछ कुछ चीजें मैं और आप लोग के लिए पॉजिटिव करने के लिए लाते रहूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, अपना खूब ख्याल रखिए और थोड़ा सा पैनिक मत होइएगा। ठीक है, मेहनत अभी बस जारी रखिए, क्योंकि ये मेहनत आपको इसी साल बहुत अच्छे पदों पर बैठाने वाला है। जय हिंद।